दोस्तों यहाँ पर एक पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल है। सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहे हैं दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। दो पाइप उस टैंक को भर रहे हैं और तीसरा पाइप उसको खाली कर रहा है। टैंक यदि खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये जो पाइप एंड सिस्टर्न के सवाल होते हैं दोस्तों, ये आपके टाइम एंड वर्क जैसे ही सवाल होते हैं उसी तरीके से इनको भी किया जाता है। बस एक डिफरेंस होता है, जो आपके एफिशिएंसी में डिफरेंस आता है वो इसको हम लोग समझेंगे, है ना। कह रहा है हम यहाँ पर तीन पाइप मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक पाइप ए मान लेते हैं, दूसरा पाइप बी मान लेते हैं और तीसरा पाइप सी मान लेते हैं। पाइप ए क्या कह रहा है, 15 घंटे में भर सकता है उस टैंक को। तो पाइप ए भरने का काम कर रहा है जो कि 15 घंटे लगा रहा है। अगर सिर्फ पाइप ए भरेगा उस टैंक को तो 15 घंटे लगाएगा। अगर पाइप बी को खोला जाए तो वो कितने घंटे में भरेगा, पाइप बी जो है वो 12 घंटे में भरेगा। लेकिन एक तीसरा पाइप है जो इसे खाली कर रहा है, एक पाइप सी है, खाली कितने घंटे में कर सकता है, वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये आपका ए और बी, ये भरने का काम कर रहे हैं और ये जो सी पाइप है ये खाली करने का काम कर रहा है, यानी नेगेटिव काम कर रहा है। अब इन तीनों का निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल काम निकल जाएगा। निकालिए कैसे, 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू जो इन तीनों से कटे तो वो होगी आपकी 60, है ना। 60 जो है तीनों से कट जाएगा। अब निकालना है आपको एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता निकालनी है, है ना। देखिए टोटल काम कितना है, 60 है, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60 आ जाएगा। यानी पाइप ए जो है वो उसकी इफ़िशियंसी 4 है, पाइप बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 60/12 यानी कि 5, और पाइप सी की इफ़िशियंसी कितनी है, 60/20 यानी कि 3। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इफ़िशियंसी जब लिखते हैं पाइप एंड सिस्टम के अंदर, ये जो सवाल होते हैं इनमें, जो पाइप आपका खाली कर रहा है यानी जिस छेद से आपका लीक हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, नेगेटिव काम हो रहा है, उसकी इफ़िशियंसी दोस्तों हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो सी आपका खाली कर रहा है तो इसका -3 इफ़िशियंसी ले लिए। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि टैंक खाली है, अभी टैंक खाली है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी तीनों पाइप अब एक साथ काम करेंगे। तो अगर तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो इनकी तीनों की टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, टोटल इफ़िशियंसी कितनी होगी बताइए। तो ये दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ये नेगेटिव काम कर रहा है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 में से 3 घटा दीजिए यानी कि 6 यूनिट, ठीक है। अब आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू कितना होता है। टाइम अगर निकालना हो आपको, टाइम एंड वर्क के अंदर टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क और अपॉन में एफिशियंसी, टोटल इफ़िशियंसी, तो टोटल वर्क आपका कितना है, 60 है यहाँ पर, और अपॉन में टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 10 घंटे। यानी कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो उस टंकी को भरने में, पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे लग जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप लोग बना लेंगे, है ना। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस छेद से पानी निकल रहा है यानी जहाँ से लीक हो रहा है उसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव ले लेना है। बस जो भर रहा है, भरने का काम कर रहा है, उनकी इफ़िशियंसी पॉजिटिव, जो खाली करने का काम कर रहा है उसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव ले लेनी है, आपका काम हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को भी साथ में याद रखिएगा कि टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफ़िशियंसी, यानी कि क्षमता, है ना। इस तरीके से समझ में आ गई होगी बात। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, है ना। और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।